बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, इसमें मैं आपको समझाऊंगा क्यास्मस। ठीक है, क्यास्मस एक लिटरेरी फिगर है, लिटरेरी आप कहते हैं इसलिए डिवाइस है। ठीक है, क्यास्मस पोइट्री के अंदर इस्तेमाल होती है। बेसिकली ये टू आइडियाज़ को क्रॉस करती है। ठीक है, इट इज़ क्रॉसिंग ऑफ द टू आइडियाज़। एक सेंटेंस में हमें टू आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको दो तरह की सिचुएशंस मिलेंगी, टू वेज मिलेंगे आपको। जैसे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है ना कि जंगल में जा रहा था कि दो मुझे रास्ते मिले, ठीक है, और चूज़ एक ही करना था, तो आपने इसमें एक ही चूज़ करना है। ठीक है, मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। क्यास्मस कहते हैं मतलब दो आइडिया, जैसे हम कहते हैं ना डू इट आर डाई, करो या मरो, ये क्यास्मस है। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि डू इट बिफोर यू डाई, या इसे करो या तो करो मरने से पहले करो। ठीक है, मरना तो वैसे ही है, उसे पहले करो। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि एक बहुत ही बड़ा लव बिफोर यू आर लास्ट, कि जब मतलब आप मर रहे हो, मरने से पहले आपने क्या करना है, लव करना है, लव बिफोर यू आर लास्ट। मरने से पहले कुछ प्यार तो करो ना। ठीक है, ये क्या समझ होती है, किल इट बिफोर इट किल्स यू। हम कहते हैं ना किल इट बिफोर इट किल्स यू, कि भाई उसे मारो पहले कि वो, उससे पहले कि वो आपको मारे, तो ये क्या समझ है। अगर अच्छा, एक और आखिरी एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वो कहता है कि नेवर किस अ फूल, नेवर लेट अ फूल किस यू। किसी बेवकूफ़ से कभी किस नहीं लेनी है। ठीक है, नेवर लेट अ फूल किस यू आर ही विल फूल यू, वरना वो आपको पागल कर देगा। कभी किसी बेवकूफ़ से किस ना लें, वरना अगर वो आपको, जब उसने किस करी ना आपको, तो वो आपको पागल कर देगा। नेवर लेट अ फूल किस यू और ही विल फूल यू। ठीक है, तो ये क्या समझती है।